हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर टू सो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आपको अभी भी बता रही हूँ बी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक लगी हुई हैं जिसकी फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अगर आपको मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं सो so, आज हम बी एस सी फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की जो फर्स्ट बुक है जिसका नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन उसका चैप्टर नंबर टू पढ़ेंगे जिसका ये लेक्चर नंबर वन है सो so, मैथ्स की चैप्टर नंबर टू का नेम है पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ये चैप्टर का नेम है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में so, सो मैं आपको बता दूँ ऐसी इक्वेशन जो क्या कंटेन करती हैं जो कंटेन करती हैं वन और मोर पार्शल डेरिवेटिव एक या एक से ज़्यादा पार्शल डेरिवेटिव कंटेन करती हैं ऐसी क्वेश्चन को हम पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं फिर से बता रही हूँ ऐसी क्वेश्चनस जो एक एक से ज्यादा पार्शल डिफ़रेंश डेरिवेटिव्स को कंटेन करती हैं वो आपकी पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं सो so, मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ सो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने लिख भी दिया है द इक्वेशन कंटेन्स वन और मोर पार्शल डेरिवेटिव्स आर कार्ड पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशंस सो जो इक्वेशन कंटेन करती है वन और मोर पार्शल डेरिवेटिव्स आर कार्ड पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं पार्शल डेरिवेटिव्स का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल का सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन अदर किसी भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताती हूँ और अच्छे से क्लियर होगा जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस फाइव डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस सिक्स जेड इक्वल्स टू नाइन ये मैंने एक क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए सो so, इसमें देखिएगा z का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन हो रहा है सो so, इसका मतलब यहाँ पर पार्शल डिफ्रेंसीशन हो रहा है पार्शल डेरीवेटिव कौन है डेल z बाय डेल एक्स ठीक है किसी एक वेरिएबल के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन होता है उसको हम पार्शल डेरीवेटिव बोलते हैं कुछ नोटेशंस होती हैं इसमें इस चैप्टर में जो आपको पता होनी चाहिए सो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ सो so, इस चैप्टर में आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ नोटेशंस मिलेंगी जो आपको समझना है सो सम नोटेशंस करके मैंने यहाँ सारी नोटेशंस लिख दी हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जैसे आपको क्वेश्चन में पी मिलेगा क्वेश्चन में आपको पी क्यू आर एस टी इस तरह से आपको वेरिएबल्स मिलेंगे सो आपको वहाँ पर पहचानना होगा और आपको वहाँ पता होना चाहिए कि पी का मतलब होता है डेल जेड बाय डेल एक्स यानी कि पी का मतलब है जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शल डिफरेंसीशन क्यू है अगर तो उसका मीन्स है डेल जेड बाय डेल वाई जेड का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शल डिफरेंसीशन आर अगर है किसी क्वेश्चन में तो उसका मतलब है डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर यानी कि जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शल डिफरेंसीशन इस तरह से डेल z ओवर डेल x का डिफ्रेंसीशन फिर उसका अगेन x के रिस्पेक्ट में पार्शल डिफ्रेंसीशन और r को डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड r को डेल p ओवर डेल x भी लिख सकते हैं क्योंकि देखिए जब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे पा पार्शल डिफ्रेंसीशन को दो बार तो डेल z बाय डेल x की वैल्यू कितनी होती है p सो so, यहाँ पर डेल p ओवर डेल x भी हो जाएगा इसी तरह से s s का मतलब अगर दे रखा है s तो उसका मतलब है डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाइड मतलब z का एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंसीशन पार्शली एंड एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंसीशन तो s को डेल q ओवर डेल x भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है दोबारा से s को हम डेल q ओवर डेल y भी लिख सकते हैं ठीक है जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी लेकिन अभी पहले बताना आपको ज़रूरी है टी अगर टी किसी क्वेश्चन में दे रखा है तो उसका मतलब है जेड का वाई के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शली डिफरेंसिएशन डेल टू जेड बाई टेल वाई स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल क्यू बाय टेल वाई जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपको और अच्छे से समझ में आएगा अभी ये कुछ नोटेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए सो so, इस चैप्टर में आप इस नोटेशंस का यूज करेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे और आप इसमें दो चीज़ें और सीखेंगे वो ये कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन सो वॉट इज़ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन आई विल एक्सप्लेन यू इन फर्दर सेकेंड्स सो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर नोट किया है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन द ऑर्डर ऑफ पी डी ई इट मीन्स पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन इट मीन्स जो इक्वेशन होगी उसका जो हाइएस्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव जो उसका हाईएस्ट डेरीवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा इन द इक्वेशन इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही आपका ऑर्डर होगा अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी आपको और चीज़ें क्लियर अच्छे से हो जाएंगी सेकंड डिग्री द डिग्री ऑफ पी डी ई पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ़ द हाइस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव विच अकर्स इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बिन रेशनलाइज्ड इट मीन्स जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रेशनलाइज हो चुकी होगी तब हम देखेंगे जो उसका हाइएस्ट ऑर्डर होगा उसकी डिग्री कितनी है जो उसकी डिग्री होगी जो उसकी पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाएगी मतलब हाइएस्ट डेरीवेटिव जो होता है वो ऑर्डर होता है और हाइएस्ट डेरीवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है अभी मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स ठीक है मैं आपको एग्जाम्पल्स से क्लियर करती हूँ फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा जैसे कि हम एक इक्वेशन लेते हैं ये मैं इक्वेशन ले रही हूँ डेल जेड बाय डेल एक्स टेन वाई प्लस डेल जेड बाय डेल वाई टेन एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स क्लियर ये मैंने एक एग्जांपल लिया तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है हाईएस्ट डेरिवेटिव है यहाँ पर डेल जेड बाय डेल एक्स भी है डेल जेड बाय डेल वाई भी किसी की भी पावर टू नहीं है दोनों की पावर वन है तो इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है वन सो so, इसका जो ऑर्डर होगा जो इसका ऑर्डर होगा वो कितना होगा वन क्लियर अब ऑर्डर वन है तो ऑर्डर पे भी पावर वन है यानी कि कुछ भी नहीं है यानी कि पावर वन है जब ऑर्डर वन है तो इसकी डिग्री भी कितनी है वन हाईएस्ट डेरीवेटिव जो होता है वो ऑर्डर होता है हाइएस्ट डेरीवेटिव की जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है सो so, डिग्री भी वन सो so, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा एक और एग्जाम्पल so, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस टू डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल जेड बाय डेल एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है सो so, देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव की पावर डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है डिफ्रेंसीशन दो बार यहाँ पर डिफ्रेंसीशन दो बार यहाँ पर एक बार तो हाइएस्ट डेरीवेटिव हुआ आपका टू क्योंकि यहाँ पर दो बार डिफ्रेंसीशन हुआ है तो हाइएस्ट डेरीवेटिव क्या होता है ऑर्डर सो so, यहाँ पर हाइएस्ट डेरीवेटिव टू है तो यहाँ पर जो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा इस सेकेंड एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट एग्जाम्पल था सेकेंड एग्जाम्पल का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा टू बिकॉज यहाँ पर हाइएस्ट डेरीवेटिव कितना है टू अब आते हैं डिग्री डिग्री मैंने आपको बताया द पावर ऑफ हाइएस्ट डेरीवेटिव सो देखिए हाइस्ट डेरीवेटिव कितना है टू इनकी इसकी पावर कितनी है वन इसकी पावर कितनी है वन इसकी पावर है थ्री बट ये हाईस्ट डेरीवेटिव नहीं था हाईस्ट डेरीवेटिव कौन है टू सो so, जिसकी पावर है फन तो इसका डिग्री कितना होगा वन सो so, इस तरह से हम पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं जिनका ओ पैटर्न होता है उनके में ये अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं पाँच से छः क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका ओ बेस्ड एग्ज़ाम होगा सो आप अच्छे से समझ लें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था अब हम इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ठीक है सो so, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्वेश्चन कैसे होगा सो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया है इस चैप्टर से सॉल्व z इक्वल्स टू के एक्स प्लस ए वाई प्लस बी ये क्वेश्चन आपको गिवन है और इसको आपको सॉल्व करना है सो so, सॉल्व करेंगे हम इसको किस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सो so, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस पूरी इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में एंड देन वाई के रेस्पेक्ट में पार्शली सो so, यहाँ पर मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ ऑन डिफ्रेंसी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ऑफ इक्वेशन नंबर वन इसको मैं वन कंसिडर कर लेती हूँ ऑन डिफरेंसीशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे एंड देन वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंसीशन करेंगे किस तरह से पार्शली सो so, यहाँ मैंने लिख दिया है पार्शली लैंग्वेज लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चेक करने वाले को भी बहुत ईजी हो जाता है समझने वाले के लिए भी, भी बहुत ईजी हो जाता है और सॉल्व करने वाले के लिए भी स्टेप बाय स्टेप ईजी हो जाता है सो so लैंग्वेज आप ज़रूर लिखें कि आपने क्या किया है डिफ्रेंसीशन किया है मल्टीप्लाई की है ऐड किया है सबक्रेट किया है इंटीग्रेशन किया है लैंग्वेज ज़रूर लिखें सो so देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही अब मैं इसका डिफ्रेंसीेशन कर रही हूँ पार्शली विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो जब मैं इसका रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंसीशन करूँगी तो जेड का डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड जब एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगी डिफ्रेंसीेशन तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डिफ्रेंसीेशन का बिकॉज ग्रेजुएशन की मैथ पढ़ना है यहाँ पर और डिफ्रेंसीेशन एलेवेंथ ट्वेल्थ का टॉपिक है आपको अच्छे से आना चाहिए डिफ्रेंसीशन करना नहीं आता है फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप अच्छे से एक्सप्लेन करूँ लेकिन फिर भी डिफ्रेंसीशन अच्छे से आना चाहिए सो so, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीेशन करेंगे तो एक्स का वन ए कॉन्सटेंट है ज़ीरो एक्स का वन ए कॉन्सटेंट है ज़ीरो और ये पूरा टर्म ए बिकॉज़ यहाँ पर पार्शली डिफ्रेंसीशन हो रहा है इसलिए y प्लस बी कॉन्सटेंट की तरह ट्रीट होगा y प्लस बी ए और x का वन है ही यहाँ पर एक का जीरो ये कॉन्सटेंट की तरह ट्रीट होगा y प्लस बी तो डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है y प्लस बी क्योंकि y प्लस बी की वन से मल्टीप्लाई कराएंगे यही टर्म आएगा उसके बाद आप ध्यान से देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया था कि डेल जेड ओवर डेल एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हैं पी तो डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू होती है पी तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पी की वैल्यू आ गई वाई प्लस बी सो यहाँ से हमें पी की वैल्यू मिल गई है इसी तरह हम इस इक्वेशन नंबर वन का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे डेल जेड ओवर डेल वाई तो डेल जेड ओवर डेल वाई जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई का वन बी कांस्टेंट टर्म होने की वजह से ज़ीरो और ये पूरा कांस्टेंट के ट्रीट कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो ये एज इट इज तो एक्स प्लस ए और वाई का वन बी का जीरो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट ना प्लस में है इसलिए यहाँ पर जीरो हो रहा है यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है इसलिए कांस्टेंट टर्म ऐसी जब मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहता है बट जब प्लस माइनस में होता है तो वो जीरो हो जाता है तो डेल जेड ओवर डेल वाई को भी मैंने अभी बताया था किसके इक्वल होता है डेल जेड बाय डेल वाई क्यू के सो डेल जेड ओवर डेल वाई को हम लिख सकते हैं क्यू तो क्यू की वैल्यू यहाँ से मिलेगी एक्स प्लस ए ठीक है सो so, यहाँ पर आपको पी और क्यू की वैल्यू मिल चुकी है पी और क्यू की वैल्यू मिल चुकी है सो so मैं इसको जैसे बोल दूँ सेकेंड इक्वेशन एंड देन इसको बोल दूँ थर्ड इक्वेशन ठीक है अब मैं जब इन दोनों की ही मल्टीप्लाई कराऊंगी आपस में पी की एंड क्यू की इक्वेशन नंबर सेकेंड की एंड इक्वेशन नंबर थर्ड की सो आप यहाँ लिख दें ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड की मल्टीप्लाई कराने पे आपको क्या मिलता है देखिए ध्यान से यहाँ से मैं यहीं लिख देती हूँ p एंड q, एल एच एस की एल एच एस में मल्टीप्लाई आर एच एस की आर एच एस में मल्टीप्लाई पी क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी ये हो गई है मल्टीप्लाई ठीक है पी क्यू और आर एच एस के आर एच एस टर्म से मल्टीप्लाई सो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी देखिए क्या वैल्यू होती है एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी की वैल्यू कितनी है जेड जेड के इक्वल है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ जेड एंड देन यही इसका आंसर है ठीक है एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी इन दोनों की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन आप देखिएगा जेड तो आप लिख सकते हैं जेड तो पी क्यू इक्वल्स टू के जेड इसका सॉल्यूशन आ चुका है बहुत छोटा सा क्वेश्चन था इसको समझना जरूरी है इसी टाइप के और क्वेश्चन करते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं ठीक है नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करती हूँ सो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने एक और क्वेश्चन नोट किया है एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन है z इक्वल्स टू के ए एक्स ई की पावर y प्लस वन अपॉइंट टू ए स्क्वायर ई की पावर टू वाई प्लस बी ये क्वेश्चन है सो so, इसको बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है सबसे पहले जो क्वेश्चन हमको गिवन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको हमने कंसीडर कर लिया ये इक्वेशन नंबर वन है उसके बाद मैंने क्या किया था डिफरेंशिएशन करा था इक्वेशन नंबर वन का पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ऑफ इक्वेशन नंबर वन पार्शली ठीक है हम इसका पार्शली डिफरेंशिएशन करेंगे सो so, सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे जब इक्वेशन नंबर वन का तो डेल जेड ओवर डेल एक्स जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का वन एंड ये पूरा सारे टर्म्स ए ई e की पावर वाई एज इट इज बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है एक्स का वन और ए ई e की पावर वाई एज इट इज प्लस यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे सो देखिए सारा वन अपॉन टू ए स्क्वायर ई की पावर टू वाई प्लस बी ये सारे के सारा कॉन्स्टेंट हैं टर्म्स इसलिए इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो ज़ीरो इनकी वैल्यू हो गई ज़ीरो सो यहाँ आप से आपको पी की वैल्यू मिली है डेल जेड ओवर डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं पी पी इक्वल्स टू के ए ई की पावर वाई सो यहाँ से आपको पी की वैल्यू मिल चुकी है ठीक है इसी तरह हम इक्वेशन नंबर वन का डिफ्रेंसीशन करेंगे पार्शली विद रेस्पेक्ट टू वाई जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ए और एक्स कॉन्स्टेंट है एज इट इज ई की पावर वाई का ई e की पावर वाई वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर e की पावर वाई का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर y तो e की पावर y एज इट इज़ प्लस वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट ई की पावर टू वाई का ई की पावर टू वाई एंड यहाँ पर टू वाई है तो टू जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और प्लस के बी का जीरो बिकॉज बी इज टर्म सो बी का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शल इज जीरो सो वन ओवर टू ए स्क्वायर एज इट इज ई की पावर टू वाई का ई की पावर टू वाई एंड टू एज इट इज टू से टू कैंसिल डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम कि क्यू के इक्वल तो क्यू की वैल्यू मिलेगी यहाँ से ए एक्स ई की पावर वाई प्लस ए स्क्वायर ई की पावर टू वाई यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू भी मिल गई है उसके बाद देखिए क्यू की वैल्यू मिल गई है पी की वैल्यू मिल गई है तो आप देखिए ए ई e की पावर वाई के प्लेस पर आप क्या रख सकते हो ए e की पावर वाई के प्लेस पर आप क्या रख सकते हो पी सो so, मैं क्या करूँगी यहाँ पर देखिए ए ई e की पावर वाई मुझे ए ई e की पावर वाई दोनों में दिख रहा है सो so, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दूँगी पर थोड़ा सा इसको पहले थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं कैसे देखिए एक्स को मैंने अलग लिख लिया ए ई e की पावर वाई को साथ में लिख दिया प्लस यहाँ पर भी मैंने क्या करा ए ई e की पावर वाई का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ए स्क्वायर है ई e की पावर टू वाई है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए ई e की पावर वाई का होल स्क्वायर जब लिख दिया तो क्यू एक्स एट इस ए ई की पावर वाई के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं पी बिकॉज ये पी के इक्वल है इसकी वैल्यू प्लस यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर सो आपने ये फाइंड कर दिया है सेकेंड भी क्वेश्चन ठीक है तो ये जो क्वेश्चन हैं इनके जो आंसर्स आएंगे वो पी और क्यू के टर्म्स में आएंगे ये पहचान है इस क्वेश्चन को करने की जो इनके आंसर्स आएंगे वो पी और क्यू के टर्म्स में आएंगे सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्शल डिफरेंशियल क्वेश्चन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट थैंक यू फ्रेंड्स